गुड इवनिंग गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चैप्टर नंबर 8, वर्क पावर एनर्जी का एक्सरसाइज का, है ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, विच इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी वेरिंग विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स। यानी कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है, और जब उसकी दूरी ओरिजिन से एक्स है, तब जो वेलोसिटी है वो ए अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to D। तो देखो यार, ये बहुत ही सिंपल है। देखो, एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, ए अंडर रूट 0, यानी कि 0, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पर डी है, तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ए अंडर रूट डी, ठीक है। अब अपन क्या जानते हैं वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसमें क्या पूछा है, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो हमें यही निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली अपने को डेल्टा के निकालना है, वो हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल क्या हो जाएगा भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना है, ए अंडर रूट डी, उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर डी बन जाएगा, ठीक है। माइनस के इनिशियल क्या है, 0, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 ma² d। दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, है ना। तो थैंक यू।